और इस वक्त की एक और अहम खबर का रुख करते हैं। संजय सिंह पहुंच गए हैं आगरा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो ये बड़ा अपडेट। और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने। देखिए ये पीड़ित जिसकी कस्टडी में मौत हुई, उसका ये छोटा बच्चा है, एक और बेटा है जो 3 साल का है लगभग, और पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, पीड़ित की पत्नी से बात कर रहे हैं, और जो तमाम महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। तो संजय सिंह पहुंच गए हैं आगरा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं सबसे पहले, और ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार से बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है। जो परिजन है वो अपनी बात रख रहे हैं, जो पीड़ित की पत्नी है वो अपनी बात रख रही है, परिवार से मिलने के लिए संजय सिंह पहुंचे हैं, और देखें मुलाकात के बाद वो अब यहां से रवाना होंगे। भैया मोबाइल, हेलो भैया मोबाइल, आप सब पीछे। पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई थी, और संजय सिंह पीड़ित है, उनकी पत्नी के पैर छुए, और अब वहां से वो बाहर निकल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं, और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई राहत और मदद उस परिवार को दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सीधे अब संजय सिंह का ही रुख करते हैं, क्योंकि मुलाकात खत्म हो गई है, और अब वो क्या कहते हैं उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। किसी मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देना आगरा, क्या कहना चाहेंगे? अरे यार शांत रहो ना, परिवार का ये माइक नाक में मार दो, नाक में फोन नीचे करो, बाइक को नीचे करो, बाइक नीचे करो, बाइक नीचे करो, फोन नीचे करो, घर से ले गए। अरे माइक नीचे करो यार, तो करो यार, उस वक्त शांत रहो यार, पूरी तरह से अरुण भाई फोन नीचे करो, बस ठीक थे, और बाद में उनको प्रताड़ना दी गई। जब पुलिस घर पर आई उस वक्त घर वालों ने फोन नीचे करो, प्रतीक है किस तरह से पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। तो यार मैं नीचे इस पूरे मसले पर उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और कम से कम ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं हो। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले में। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार मारो और मुआवजा दो की नीति पर चल रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस मामले में उनका मुआवजा भी देना चाहिए, सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए, और कोर्ट के द्वारा कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मसले की जांच करा के जो भी लोग दोषी हैं उनको जेल में डाला जाए, उनकी बर्खास्तगी की जाए। आज वाल्मीकि जयंती पर मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि वाल्मीकि समाज के लोग खुशियां मनाएं या अरुण वाल्मीकि की मौत का मातम मनाएं। संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी।